ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉगिन करें www.rpsbiharsharif.com। भारतीय सब लोग पार्टी के उम्मीदवार को मिला प्रबल भारत पार्टी का साथ। प्रबल भारत पार्टी के प्रत्याशी सुमन सौरभ ने बसपा उम्मीदवार चित्रंजन कुमार को किया समर्थन। बजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में भारतीय सब लोग पार्टी के युवा विधायक चित्रंजन कुमार उप चिंटू भैया के पक्ष में बजीरगंज क्षेत्र के आम मतदाताओं का अपार जन समर्थन व लोकप्रियता को देखते हुए प्रबल भारत पार्टी के प्रत्याशी सुमन सौरभ ने अपना जन समर्थन देकर नया बजीरगंज बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित चिंटू भैया के हाथ को मजबूत किया है। खुद के लिए प्रत्याशी आप घूम रहे थे, आप चिंटू भैया को किस तरह से समर्थन करेंगे और किस तरह से पूरी जोर अपने प्रयास को इनके प्रति लगाएंगे? मैं इनके साथ कदम से कदम, हाथ से हाथ और कंधे से कंधे मिलाकर इनका साथ दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये युवाओं की बात करते हैं, जो युवाओं की बात करेगा वही बजीरगंज पे राज करेगा, क्योंकि यहाँ पे 60% युवा है। आज भी अगर युवाओं को नहीं समझ है तो फिर वैसे लोगों को जिताएं जो कि कोई काम नहीं करेंगे। आज तक ना शिक्षा पे जोर दिया है कि इन्होंने, ना स्वास्थ्य पे जोर दिया है, ना रोजगार पे जोर दिया है। तो अभी सिर्फ चिंटू भैया का समर्थन है या पार्टी के भी इनका समर्थन आप कर रहे हैं? पर्सनली मैं इनको समर्थन कर रहा हूँ और अपने पार्टी की तरफ से भी मैं इनको समर्थन देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग ही हमारे समाज का विकास का काम करें जो कि पहले से बिना कुछ लोभ लालसा के काम करते हैं, पहले से ही काम कर चुके हैं। और इनसे अगर पब्लिक उम्मीद रखती है तो ये पूरी तरह खरा उतरेगी 100%। मैं कोशिश करूँगा कि नया बजीरगंज जय बजीरगंज एक बार होना चाहिए। परिचय, मेरा नाम सुमन सौरभ, प्रबल भारत पार्टी से विधायक कैंडिडेट। ब्रदर्स डिजिटल एडवर्टीजमेंट एजेंसी, अ ग्रुप ऑफ ब्रदर्स एंटरटेनमेंट। अब क्यों है किसी सभा में जाना जब है डिजिटल का जमाना। कोरोना से भी बचेंगे और अतिरिक्त खर्चों से भी, स्कूल हो या कॉलेज जिसमें 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है तथा 30 से 40 की संख्या में अज्ञात बताया गया है। तत्कालीन गुरुवार को विधायक राजेंद्र दागी एवं वर्तमान प्रत्याशी भाजपा से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि यह सभी राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक थे और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। मैं किसी तरह वहां से भागकर किसी दूसरे के घर में 1 से 1.5 घंटा तक बिताया। 1.5 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची, तब मैं किसी तरह वहां से निकलकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा। इस संदर्भ में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के हम पार्टी के प्रत्याशी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि यह बड़ी ही शर्मनाक घटना है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। विरोध करना है तो वह अपना वोट देकर विरोध